1 फरवरी को मोदी सरकार का बजट पेश होगा, जिसमें किसानों को बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है। बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा बढ़ाया जा सकता है। अभी इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जा सकता है। सूत्रों का दावा है कि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले पैसों में सीधे 50% की बढ़ोतरी कर सकती है। रिपोर्ट की माने तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल भर में 3 किस्तें दी जाती हैं। सरकार हर 4 महीने में 2,000 रुपए देती है। ये पैसा किसानों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है। किसानों को 3 किस्तों के जरिए साल भर में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार जिसे बढ़ाकर 9,000 रुपए तक कर सकती है। अभी तक ऐसी खबरें आ रही थी कि सरकार 8,000 रुपए बढ़ा सकती है, लेकिन सूत्रों की माने तो सरकार पीएम किसान स्कीम में 50% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की स्कीम है, जिसका ऐलान साल 2019 के अंतरिम बजट में हुआ था। सरकार की इस स्कीम की 16वीं किस्त इस साल फरवरी से मार्च के बीच जारी होने की उम्मीद है। सरकार ने स्कीम की 15वीं किस्त पिछले साल नवंबर में ट्रांसफर की थी। इस स्कीम को छोटे और सीमांत किसानों की आय में बढ़ोतरी के मकसद से सरकार ने शुरू किया था, जो शुरुआत से ही काफी लोकप्रिय रही है। इस योजना के तहत सरकार ने पिछले बजट में पीएम किसान पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हालांकि आगामी अंतरिम बजट में स्कीम के लिए आवंटन बढ़ाए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा फसल बीमा और ग्रामीण रोजगार योजना के लिए भी रकम में बढ़ोतरी के आसार हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। जो किसान इन शर्तों को पूरा करते हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना का लाभ सिर्फ किसानों को मिलता है। अगर कोई इंजीनियर, सीए, डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में है तो वह पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। अगर किसी सीनियर सिटीजन को 10,000 रुपए से ज्यादा की पेंशन मिलती है या कोई सरकारी नौकरी से रिटायर कर्मचारी है तो वो भी इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं। इस योजना के तहत एक परिवार का एक सदस्य ही लाभ उठा सकता है। साल 2024 चुनावी साल है। देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए 1 फरवरी को पूरे बजट के बजाय अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, जो मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इसी के साथ उनके नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएगा। ये बजट पेश करते ही निर्मला सीतारमण 6ठा बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन जाएंगी। साथ ही वो पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई की बराबरी कर लेंगी। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।